कहा था ना कि मर गई चंदा हमारे लिए। मंसूर मैं, अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, चंदा बेटी है हमारी। तुम कुछ नहीं हुआ है, वो ऑपरेशन हुआ था ना तो वो बेहोश है, अभी होश में आ जाएंगे। तुम जैन और सितारा को भी ले आओ, मत मत करो, मेरी बात सुनो। मम्मी अब्बू नहीं रहे, अब्बू मर गए। अम्मी कलमाए शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, कलमाए शहादत। मुझे जाना है बस। तुम नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं? अगर मेरे बाप की जगह तुम्हारे बाप की मर्यादा रखी होती तो क्या कर सकते तुम? बस बंद करो। चलो तुम चलो चलो। थोड़ी जोर से लग गए हैं। चलो इस खुशी में चाय भी लेते हैं। हाँ अभी तक तो तू बचा हुआ है मुराद, लेकिन जरा सोच, जिस दिन बाबर को सच्चाई पता चलेगी तो वो तेरे खून का प्यासा हो जाएगा। तुझे कुछ करना पड़ेगा। बाबर चल बेटा, उठ, हिम्मत। बेटा सबर कर, हाँ सबर कर। सर मुराद, सारी गलती आपकी है भाई साहब। ना आप मुझे थप्पड़ मारते और ना ये सब कुछ होता। अम्मी अम्मी उठ जा, अम्मी प्लीज, अम्मी उठ जा ना, अम्मी अम्मी उठ जा, अम्मी देखे, अम्मी देखे, बाबू को भी दफना कर आ गए। अम्मी तो उठ जा, अम्मी 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 दवाई दी है सोने के लिए, अभी उठेंगी। अबे गए अम्मी भी तो हुए अब्बू की तरह, कुछ भी नहीं होगा। क्या हुआ भाई? भाई अम्मी को देखे ना, भाई अम्मी नहीं उठ रहे, भाई भाई अम्मी को उठा ना भाई। सो रही है, आराम कर रही है। भाई अम्मी को उठा ले भाई। क्या हो गया जैन, क्या हो गया मेरा बच्चा? कुछ नहीं हुआ, अम्मी को सो रही है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात मान। चंदा हाथ नहीं लगाना मुझे, दूर रहना मुझसे। चंदा समझ नहीं आ रही तुम्हें? दूर रहो मुझसे। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया बेबी? पूछ रहे हो कि क्या हो गया? मेरा बाप चला गया इस दुनिया से और तुमने मुझे उसकी शक्ल देखने जाने नहीं दिया। तुम्हें खुद खर्च और बेहिस इंसान, तुम्हें कोई हमदर्दी नहीं है मुझसे। अरे इंसानियत नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। और नीचे नीचे तुमने जो बकवास की वो? हाँ की बकवास, बिल्कुल की बकवास, और वो बकवास किसी वजह से की थी। अच्छा चलो चंदा, जो होगा ना भूल जाओ उसे प्लीज। भूल जाओ? हाँ कयामत टूट गई मुझ पर और तुम कह रहे हो कि मैं सब भूल जाओ। मेरा बाप इस दुनिया से चला गया और तुमने मुझे उसकी शक्ल तक देखते नहीं दी और कह रहे हो भूल जाओ। कैसे भूल जाओ मैं? हाँ थप्पड़ मारा ना मुझे, हाथ उठाया मुझ पर,
अरे ये इंसानियत है तुम्हारी? बचाए मुझे मेरे बाप के पास ले जाने के, तुमने मुझे मारा। नीचे मामा ने जो कहा था वो समझ में नहीं आई तुम्हें? मुझे तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारी अम्मी की, तुम्हारे अब्बू की, सबकी बातें समझ में आई, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। इसलिए शादी तूने की थी? इसलिए शादी की? घर करते थे ना, फिर तो दूर की बात, तुम्हारे अंदर तो इंसानियत तक नहीं है। तुमने मुझे मेरे अब्बू का चेहरा तक देखने नहीं दिया। चले गए मेरे अब्बू, चले गए। अब्बू, अब्बू मुझे हाथ नहीं लगा रहा मुझे। रिश्ते बनते हुए चुनते चंद से शीशा गिरा नजारे जा हुआ। हालात क्या है ऊपर के? पता नहीं, हिम्मत नहीं हुई मेरी उनके कमरे की तरफ जाने की। क्यों? आपको क्या लगता है इतना कुछ होने के बाद वो लड़की खामोश बैठेगी? और अगर मैं कमरे में जाती और मेरे सामने वो शेबी से बदतमीजी करती तो बात बहुत बढ़ जानी थी। मेरी ये बार कान खोल के सुन लेता। शेबी ने ये जो चांटा मारा है ना उसके मुंह पे, उसके गाल पे ना, दिल पे लगा, सीधा दिल पे। अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दिल बुरे होने लगेंगे एक दूसरे से, इख्तलाफात पैदा होने शुरू हो जाएंगे। बस जिस दिन से भी ने हाथ उठा दिए वो दिन उस लड़की का आखिरी दिन होगा इस घर में और सेबी की जिंदगी। पर मैंने नहीं मारा कभी तुझे, मौका ही नहीं दिया तुमने। अभी तो भाभी जान बेहोश है, जब होश में आएगी तब पता नहीं क्या करेगी। अबू परेशान दिख रहे हैं। आजो, आजो, आजो। क्या हो गया तुझे? दिमाग ठीक है तेरा? बस सामने रखवा के उसके बाद तुम लोग बाहर चले जाना। अरे वाजिद साहब, इस सब खिलाने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत की बात नहीं होती, ये तो इंसानियत की बात है। जिनके चाहने वाले बिछड़ जाते हैं ना, उन्हें तो अपनी खबर नहीं होती घर का चूल्हा कैसे जल सकता है। ऐसे में हम जैसों का फर्ज होता है कि उनका ख्याल रखें जिनसे ताल्लुक होता है। मामा, मामा, क्या हो गया शेबी? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या परेशानी है? क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। जाके हालत देखी उसकी, कितनी अजियत में है बेचारी। तो भाई तू हमें बताना, हमने क्या किया है? हमारी कोई गलती है? नहीं, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। एक मिनट, ये से बात करने का क्या मतलब है अभी से? अभी आप दोनों किस बहस में पड़ गए? मैं देख के आती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही बहुत गुस्से में। तो तुम क्या कहते हो, अकेला छोड़ दें उसे? मेरे ख्याल में यही बेहतर है। क्या खाक बेहतर है? इस हालत में उसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? अगर उसका बीपी ऊपर नीचे हो गया तो? बेटा उसको इस वक्त आराम की जरूरत है। मेरा तो ख्याल है उसे नींद की गोली दे देते हैं। क्या मतलब है नींद की गोली? ठीक कह रही है तेरी माँ, वो सदमे में ना तो जरा रिलैक्सेंट ले लेगी तो बेहतर हो जाएगी तबीयत। हाँ बेटा तुम परेशान मत हो, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं लेकर आती हूँ, मैं देख लूंगी सब कुछ, तुम परेशान नहीं। अरे क्या हो गया भाई,
तू तो हिम्मत कर यार, से भी क्या हो गया, संभाल लेगी तेरी माँ, कोई नहीं देख लेगी वो। इतना नफीस इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एक ईमानदार दोस्त को खो दिया, अपने बच्चों के लिए हमेशा परेशान रहते थे। मुझे तो कई बार वादा लिया कि खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाए तो वाजिद मेरे बच्चों का ख्याल रखे। हाँ, अब वादा निभाने का वक्त। देखो बेटा, तुम मुझे कभी गैर मत समझना, ठीक है? घर में कोई छोटी बात हो, कोई बड़ी बात हो, कोई मुश्किल आए, मुझे जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लोगों का ख्याल रख सकूं, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, अब ये घर तो समझो मेरा दूसरा घर हो गया ना, आना जाना तो लगा रहेगा। बिल्कुल। कैसी तबीयत है ताई जान की? अभी और इस वक्त चले जाएं यहाँ से। आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मेरी माँ कैसी और कैसी नहीं है। अभी और इसी वक्त जाएं यहाँ से। क्या हो गया सितारा, इस तरह क्यों बात कर रही हो? शुक्र करें सिर्फ बात कर रही हूँ। रसूलन मुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल देना चाहिए आपको। सितारा, तुम्हें हो क्या गया है? मुझे क्या हुआ? कुछ भी याद नहीं रहा, कुछ भी नजर नहीं आया। इतनी बेहसी क्यों? सितारा प्लीज खुल के बात करो। सुनने की हिम्मत है? आज हम जो भी हालात हुए तो उसकी वजह से मैं सिर्फ आप हैं। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ सब कुछ? जब मैंने मना कर दिया था तो क्यों मैसेजेस किए? तो आप मैसेजेस करते हैं ना, वो मैसेजेस बोलते हैं ना, उनको गुस्सा आता ना, उनकी तो मतलब होती ना, हमें छोड़ कर जाते हैं वो, हमारे पास होते वो। सितारा क्या कह रही हो? मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं करा, कभी सोचा नहीं। तो फिर खुद से क्यों सोचा कि मैं तुमसे प्यार हूँ? क्यों उसको कभी माफ नहीं कर सकती? नफरत हो रही है मुझे अपने आप से, ये सब मेरी वजह से हो गया है। मेरी बात याद रखिएगा, मैं खुद को तो माफ नहीं करूंगी लेकिन आपको भी कभी माफ नहीं करूंगी। कभी मैंने जितनी इज्जत करती थी आपकी वो सब खत्म। क्या करें, वो क्यों नहीं जा रहे और क्या चाहिए? अबू चल रहे, मैं भी मर जाऊंगी। मुझे अबू के पास जाना है। शाह हमारी क्या कह रही है, उठ क्यों नहीं रही है, कैसी बातें कर रही है, बताए ना मुझे प्लीज। शेबेब सोने दो उसे, जितना सोएगी ना उतना ही जल्दी ठीक होगी। तुम चलो मेरे साथ कुछ खा लो। आप चले, मैं आता हूं।
बैठो डॉक्टर, बैठो। देख सभी, तुम्हारा बेटा अकलौता बेटा, हम मियां बीवी की जान है तेरे में बेटे, तेरी औलाद से तो हमारी मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी ना। हाँ जी, जानता हूं। वो चंदा की वजह से परेशान है बेटा, हम भी बहुत परेशान है। सब कुछ कर लिया, दिल को सादा कर लिया, आंखें बिछानी, तो ये देख कर ही तो जीते हैं जी। देख बेटा, इस मौके पे बात करने का मकसद ये था कि मैं तेरी माँ चंदा के लिए, तेरी होने वाली औलाद के लिए अगर कुछ सोचेंगे तो बेटा भला ही सोचेंगे ना आप से भी। मैंने आपको और मामा को बहुत दुख दिया। अरे ना ना ना, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सोचती। क्या बात की तुमने बेटा, गुस्सा बहुत था मुझे, गुस्सा बहुत था, जिद थी मेरी के माफी मांगे मुझसे आप, बढ़ता था मेरा। बेचारा तो मनोवृत्ति नीचे सो गया, अल्लाह माफ करे, जन्नत में जगा दे उसे। आमीन। असल में बाबा वो अपने अब्बू से बहुत प्यार करती थी। हाँ जानता हूँ, जानता हूँ। मुंह हो गया, दिल कट गया मेरा, असूल अपनी जगह पर। मैंने तो सोचा कि ले जाके ले जाऊं उसे बाप के जनाजे पे, पर फिर सभी पर ख्याल आया कि खैरी सल्ला तेरी होने वाली औलाद पे कुछ ऐसा वैसा असर ना हो जाए। बस देख बेटा, तूने ना बड़ा ख्याल रखना चंदा का, हिम्मत करके तरीके से बड़े प्यार से। हाँ जी जानता हूँ, वो अभी उठेगी ना तो फिर जिद करेगी घर जाने की। हाँ तो वो तो चला गया, वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया जिससे मिलने जाना था। अब किससे मिलना, मरने वाले को मैंने माफ कर दिया पर बाकी किसी को नहीं। देख से भी वादा याद रखना पड़ा, ना यहां से कोई वहां जाएगा ना वहां से कोई यहां आएगा। और देखो कहीं जाग ना गई हो, देखना देखना मेरा बेटा। घर की कमजोर दीवारें देख के चोट मारने की कोशिश तो तुमने भी की है ना। जब मैंने मना कर दिया था तो क्यों मैसेजेस किए? आप मैसेजेस करते ना, वो मैसेजेस करते उनको गुस्सा आता ना, उनकी तो बताया होती ना, मैं छोड़ कर जाते हो। निकलो 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 बाहर, निकलो। चाहे जान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी, अम्मी उठे ना, अम्मी प्लीज उठ जाए। भाई अम्मी क्यों नहीं उठ रही है? वो डॉक्टर ने नींद की दवा दिया ना, इसलिए नहीं उठ रही। भाई कहीं अम्मी भी हमें अब्बू की तरह छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? ऐसी बात क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होगा, अम्मी को ठीक हो जाएंगी। अम्मी उठे, अम्मी उठ जाए प्लीज, अम्मी उठे, उठे। मंसूर, मंसूर,
अब्बू नहीं है अम्मी, नहीं है अब्बू। मुझे माफ कर देना, मरने से पहले ना भाई का भाभी से बहुत सख्त झगड़ा हुआ था। भाई को यहाँ तकलीफ हुई, गिर गया। काश चंदा ने ये सब कुछ ना किया होता तो तेरा बाप जिंदा होता। सच सच बताइए चाचू, क्या हुआ था? क्या सच बताऊं बेटा? अब्बू की मैयत पर आप कह रहे थे ना कि अम्मी और अब्बू का झगड़ा हुआ था, किस बात पे हुआ था? अच्छा, मैं ऐसा कह रहा था बेटा, मुझे तो कुछ याद नहीं। आपके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। अरे नहीं बाबा, बेटा भला मैं क्यों छुपाऊंगा? बेटा जाने वाला चला गया, छोड़ मत को। जाने वाला मेरा बाप था। यही मौका है मुराद, बाप पर को एतमाद में लेकर सारा मलबा भाभी पर डालकर अपनी जान छुड़ा लो। बताइए चाचू क्या सोच रहे हो? बाबर बेटा तू सुन नहीं पाएगा, और अगर तू सुन लेगा ना तो तुझे यकीन नहीं आएगा। लेकिन अगर तू जिद कर रहा है तो फिर हौसला करके मेरी बात सुन बेटा। जब मैं घर आया ना तो भाई साहब का और भाभी जी का झगड़ा हो रहा था चंदा की वजह से। भाभी जी तो सख्त गुस्से में थे, भाई साहब भाभी जी से कह रहे थे, कह क्या रहे थे बेटा, भाई साहब तो मिन्नतें कर रहे थे कि अब वो किसी भी सूरत चंदा से ना मिले ताकि उनकी बची कुची इज्जत बाकी रह सके। लेकिन भाभी साहिबा, बेटा भाभी साहिबा कह रही थी कि वो हर सूरत में चंदा को वापस घर लेके आएंगे, और बेटा वो जो शेबी के घर वाले थे ना वो चाहते थे कि भाई साहब नाक रगड़ के मिन्नतें करके उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे, और भाभी जी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, भाई साहब को ऐसा करने पे मजबूर कर रही थी। बस बेटा मेरे भाई से और तेरे बाप से ये सिल्लत बर्दाश्त ना हो सकी और हमें छोड़कर चला गया। बेटा यहां तक मेरी बात है ना, तो मैं मजबूर था बेटा। भाभी साहिबा ने मुझे मजबूर किया हुआ था कि मैं हर सूरत चंदा को अपने पास अपने घर में रखूं। बाबर बेटा तेरा चाचू मजबूर था। आपकी ये बातें, आपका ये झूठ तकलीफ दे रहा है मुझे। टूटता जा रहा हूं मैं अंदर से। ऐसा कोई कदम ना उठाइएगा कि मट्टी तले जाके सो जाऊंगा। इसकी पढ़ाई, इसका बाहर निकलना बंद। आप अपनी तबीयत का तो ख्याल रखें। आग में लगे मेरी तबीयत। दुआ करो कि मर जाए मंसूर। कहा था ना कि मर गई चंदा हमारे लिए।
संभाले अपने आप को। मंसूर, मंसूर। कहते थे बाप की जगह है। शर्म नहीं आई अपने बड़े भाई पे हाथ उठाते हुए? एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, अब्बू ठीक है? सॉरी मम्मी, अब्बू नहीं रहे, अब्बू मर गए। मंसूर, मंसूर, मंसूर अभी तक आए क्यों नहीं है? कहाँ चले गए मंसूर? मम्मी क्या हो गया, किधर जा रही हैं? मंसूर होश में आइए, इधर आइए, बस कर दीजिए अब। बेशरम, बेहिस इंसान, क्या हुआ? तुमने तुमने अपने भाई में हाथ उठाया था। मम्मी क्या हो गया आपको, होश में आइए। आप क्या कह रही हैं भाभी साहिबा? तुमने उन्हें थप्पड़ मारा और वो संभल नहीं सके थे। भाभी साहिबा वो तो आप पे हाथ उठा रहे थे, मैंने तो बस आपको बचाया था। झूठे घटिया इंसान, मुझे नहीं तुम्हें थप्पड़ मार रहे थे, तुमने पलट के थप्पड़ मारा था, उनकी जान ले ली तुमने। मम्मी होश में, छोड़ूंगी नहीं। कह रही है आप ये भाभी साहिबा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथों ने ऐसा किया है, अपने बाप जैसे भाई पर हाथ उठाया है, तो बाबर मुझे ये हाथ नहीं चाहिए, मैं इन हाथों को काट दूंगा। होश में नहीं है अभी? अरे नहीं, अरे तू देखती ना तेरी माँ क्या कह रही है। देख तेरा चाचू मर सकता है पर अपने भाई पे कभी हाथ नहीं उठा सकता। निकल जाओ यहाँ से, जाके मर जाओ कहीं, निकल जाओ। होश में, इतने बड़े इल्जाम के बाद कोई जिंदा रह कैसे सकता है? नहीं रहूंगा मैं जिंदा, जा रहा हूँ मैं यहाँ। चाचू मेरी माँ, बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। चाचू मैं अपने भाई को मार सकता हूँ क्या? चाचू अरे हाँ, चाचू मेरी बात, अरे हाँ, मर जाने दे मुझे। तूने सुना नहीं भाभी साहब ने क्या कुछ कह दिया मेरे बारे में? चाचू छोड़ दीजिए ना आप, छोड़ दें। क्या सोच रहा होगा तू, क्या सोच रहा होगा अपने चाचू के बारे में ये सब कुछ सुनने के बाद? मैं कुछ नहीं सोच रहा चाचू, आप भी समझने की कोशिश करें, वो इस वक्त अपने होशो आवास में नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना बाबा, वाकई मुझे ऐसा लगता है कि भाभी साहिबा से ना इतनी बड़ी गलती हो गई है कि उसका बतावा हो नहीं सकता, तो उनके दिमाग पर असर हो गया। देखा नहीं जैसे बाहर आई तो कैसा कैसा चिल्लाई है मुझ पे, क्या कुछ कह दिया मेरे बारे में, मेरे बारे में। आप जाने देना, छोड़। अरे कैसे जाने दूं, अरे भाभी है मेरी, माँ बराबर, भाई तो मेरा गया ना हमेशा के लिए। ये दिल फटा जा रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं इस हालत में अपनी भाभी को छोड़ भी नहीं सकता। चाचू आप अपना ख्याल रखिए, मैं उन्हें संभाल लूंगा। हाँ बाबा, बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस वक्त ना तेरी माँ को तेरी सख्त जरूरत है। जा बेटा अपनी माँ को संभाल, जाने वाला चला गया, अब हम भाई साहब को वापस नहीं ला सकते, लेकिन भाभी का ख्याल रखना है। चाचू वो सब तो ठीक है, लेकिन आप? अरे बेटा तू मेरी फिक्र ना कर, तेरा चाचू बिल्कुल ठीक है, बस तू अपनी माँ का ख्याल रख। चाचू और सुन, वो कुछ भी कहे ना तो आगे से चुप रहना। हाँ शाबाश। बोलिए को अपनी उंगलियों पे निशाना पड़ेगा। कैसे कह रही थी? तूने उन पे हाथ उठाया, तूने उनकी जान ली। आई बड़ी मुझ पे इल्जाम लगाएगी, देख लूंगा तुझे भाभी साहिबा। तेरी ताई अम्मा पागल हो गई है तानिश, एकदम पागल। क्या कह रहे हैं बुआ? मैं सही कह रहा हूँ, भाई साहब के गम ने भाभी जी को दीवाना कर दिया है तानिश, दीवाना। अरे वो बताएं तो सही, ताई जान ने क्या कहा? चाचा जी तेरी ताई अचानक कमरे से बाहर निकली, हम सबको देखकर चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मारने लगी, हम सब पर इल्जाम लगाया कि हम सब ने मिलकर
भाई साहब को मार दिया है, मंसूर को मार दिया है, हम सब ने। तो बाबर जैन और सितारा तो बड़े परेशान होंगे, अब आपको उन्हें अबू इस हाल में वहां छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तू जानता है वहां क्या हुआ? तेरी दाई ने मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं अबू, ये कैसे हो सकता है? सच कह रहा हूँ दानिश, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आया, हालांकि मैं अपने बच्चों के पास रुकना चाहता था। दानिश मेरा फर्ज था कि मैं अपने बच्चों के पास रुकता जब तक वो संभलना चाहते। या अल्लाह मेरी भाभी को हिम्मत दे, उसे इतनी ताकत दे कि अपने बच्चों के सरों पे सलामत रहे। या अल्लाह वक्त लगेगा अबू, उन्हें संभलने में अभी वक्त लगेगा। ताहिजान की अचानक मौत ने सबको हिला के रख दिया है। बेटा मेरे पास तो अपने भाई के सिवा और कोई था ही नहीं। तेरे बाप का तो कुल असासत भाई था, मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं। संभाले अबू, मैं आपको संभाले, अब इस घर के बड़े आप हैं, और अगर आप इस तरह करेंगे तो कैसे चलेगा सब कुछ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं देख के आता हूँ। नहीं नहीं दानिश नहीं, तू अब अभी माने जाएगा। तो सितारा और जैन क्या अकेले संभालेंगे ताईजान को? उनकी जैसी हालत है, बाबर अकेले कैसे करेगा सारा कुछ? मेरा जो बच्चा है ना बाबर, अल्लाह ने उसे बहुत हौसला दिया है। जिस तरीके से वो अपनी माँ को संभाल रहा था, उसे हौसला दे रहा था, मुझे बाबर में अपना भाई नजर आया है। उसे कहने लगा, चाचू तुम फिक्र ना करो, तुम अभी मेरी माँ को अकेला छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। भाई साहब तो मिन्नतें कर रहे थे कि अब वो किसी भी सूरत चंदा से ना मिले। बेटा भाभी साहिबा कह रही थी कि वो हर सूरत में चंदा को वापस घर लेके आएंगे। मैंने तो उनके हाथों कब्र में उतरना था, चले गए मुझे अकेला छोड़कर, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। सारी जिंदगी क्या करूं, मुझे होश ही नहीं था। मेरा दिमाग सुन हो गया था, आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख सकी। मुझे अकेला छोड़ के किस्मत आप नहीं है, किस्मत तो अद्भुत है। उन्होंने सारी जिंदगी जिससे मोहब्बत की, उसी ने उनकी जान ले ली। उनकी मौत की वजह आप है, आप। Thank you.
दानिश, दानिश, जी आप, ओ, आइए, बैठिए। जलील घटिया इंसान, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ, सब खत्म हो गया है। क्या कह रही हैं आप? मैं तुम्हें छोड़ूंगी। मैंने मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाभी जी। मैं तुम्हें मार डालूंगी भाभी जी। इसको नीचे रखिए भाभी जी। भाभी जी जाओ, तुम में जाओ। एक तुम